तो सरकार और किसानों के बीच बैठक, और बैठक के बाद हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल ने किसानों से बातचीत की। सरकार और किसानों के बीच की बातचीत खत्म हो चुकी है। आज की बातचीत में क्या कुछ निकल कर सामने आया, ये बताने के लिए मेरे साथ मौजूद है पंजाब से किसान संगठनों के प्रमुख हरपाल सिंह जी। हरपाल जी, ये बताइए कि आज की बैठक में क्या कुछ निकल कर चीजें सामने आई हैं, क्या ये बैठक सकारात्मक कही जा सकती है? हाँ जी, आज कही जा सकती है, सकारात्मक रही है। दोनों का बात अपने से नजदीक भी हुई है। बात किसान जैसे जो किसान जथेबंदियों ने अपना पक्ष रखा था, पहले वो सरकार की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, फिर उसके बाद ये हुआ कि सरकार की बात भी सुनी जाए, डिटेल में उनकी बात सुनी गई है, और उनके बाद किसान जथेबंदियों ने एक एक करके बात का उनका जवाब दिया। उसके बाद ब्रेक हो गई, उसके बाद जो अपने मंत्री हैं वो इस बात के लिए सहमत हो गए कि हम तीनों बिलों में संशोधन करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, जो किसान को जिनके जिनके ऊपर आपत्ति है, मोटे तौर पर कौन से संशोधन? जैसे देखो उसमें क्या है, संशोधन जो है बीच में उन्होंने लिखाए हैं डिटेल में। जैसे संशोधन ये है कि हमारी जमीन है जो एक कारपोरेट के पास नहीं जाएगी, जो और आपत्ति है जैसे MSP का है वो भी है, उसके ऊपर भी उन्होंने दिया। MSP पर क्या, मंडी जो तोड़ी है, मंडी दोनों मंडी में टैक्स बराबर होगा। अच्छा, जैसे उसमें टैक्स लगा था, इसमें भी टैक्स ऐसे लगेगा। अच्छा, ये उन्होंने सारा कुछ इसलिए माना है। अच्छा, और परसों रोज को डिटेल बातचीत इसके ऊपर ही, और परसों को जो होगी, कल को अपनी जथेबंदियां, तीनों जथेबंदियां जो मान लो पंजाब की, हरियाणा की, राजस्थान की जथेबंदियां इकट्ठे होकर इसको विचार चर्चा कर देंगे कि उसके ऊपर क्या करना है। तो ये मुझे बताइए कि 5 तारीख की बैठक में क्या कुछ हम सोच सकते हैं कि एक निर्णय निकल सकता है? हाँ देखो, नजदीक हो सकता है, नजदीक हो सकता है। अच्छा, चलिए, तो कुल मिलाकर किसान साफ तौर पर बता रहे हैं कि आज की जो बैठक रही है वो बैठक अपने आप में काफ़ी सकारात्मक रही है, और उस बैठक के बड़े अच्छे परिणाम रहे हैं। सरकार संशोधन करने को तैयार हो गई है। कैमरा पर्सन मनोज कोहली के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।